असलम लिसनर्स मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्ला का नाम लेकर जो आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर हैं लिसनर्स आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे आज हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने लगे हैं हमारे इस लिसनर ने हमें अपना नेम और अपने शहर का नेम ऑन एयर करने से मना किया है वो बताते हैं कि ये उनकी वालदा की ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़ है वो बताते हैं आज से दस साल पहले हम अपने जिस घर में रहते थे वो सिखों के दौर का घर था मेरी वालदा को अक्सर एक ख्वाब आती थी कि हम लोगों के घर के सहन में एक छोटी सी दीवार है जिसके ऊपर एक जिसके साथ एक नलका लगा हुआ है और मेरी वालदा देखती हैं कि उस जगह पे जहाँ नलका लगा है कुछ लोग रास्ता खोद कर नीचे गए हैं जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं तो उनकी आंख खुल जाती है क्योंकि मेरी वालदा बताती हैं कि वो जो नलका लगा हुआ था और उसके साथ एक जो छोटी सी दीवार थी वो दीवार बेमकसद थी उस दीवार का उधर कोई अमल दखल नहीं था ना ही वो दीवार बनाने का कोई मकसद बनता था काफ़ी बार मेरी वालदा ने अपने हस्बैंड से कोशिश की बात करने की कि हम इस दीवार को गिरा देते हैं ये खाम खा बनी हुई है लेकिन जैसे ही मेरी वालदा इस चीज़ का इरादा करती थी बात करने का या इसको गिराने का तो उनको अक्सर ख्वाब आती थी कि इस दीवार को ग़लती से भी मत गिराना मेरी वालदा ने उसके बाद ये बात सारी मेरे अबू को बताई और मेरे अबू ने एक दिन ये नियत की कि हम इस दीवार को गिरा देंगे सुबह ही बुलाएंगे मज़दूरों को और इस दीवार को यहाँ से गिरा देंगे छोटी सी तो दीवार है जैसे कि ढाई से तीन फिट की लेकिन मेरे अबू रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि उनको एक बहुत बेहनक शक्ल का औरत और एक मर्द मिले हैं जिन्होंने कहा कि इस दीवार को गिराने की गलती मत करना खैर मेरे अबू ने और मेरी अम्मी ने इस इरादे को मुलतवी कर दिया उसके बाद मेरी अम्मी को हमेशा तीन चार माह के बाद एक ख्वाब आती थी कि इस नलके को खोद कर कुछ लोग नीचे जा रहे हैं जैसे ही नीचे जाते हैं तो आंख खुल जाती है मेरी अम्मी ने अपने भाइयों को बुलाया और अपने खामिद के साथ ये मशवरा किया कि क्यों ना हम एक दफ़ा इस जगह को खोद लें और खोद कर देखें कि नीचे क्या चीज़ है ये ख्वाब बिना मकसद मुझे नहीं आता बिलाखिर एक दिन हम लोगों ने यह तय कर लिया मेरी वालदा ने और उनके भाइयों ने और मेरे अबू ने कि हम लोग इस जगह को खोद कर नीचे जाएंगे हम लोग तब बहुत छोटे थे खुदाई शुरू हो गई हम जब ये खुदाई कर रहे थे तो हमने मोहल्ले के लोगों को कान से कान खबर ना होने दी हम ये सारा काम रात के टाइम करते थे खैर खुदाई शुरू होने के बाद खुदाई करते करते हमें पंद्रह से बीस दिन लग गए जैसे ही हम लोग नीचे जा रहे थे जगह बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी खुदाई करने में महीना लग गया तो अचानक से अंदर एक बहुत अजीब पुरसरार सी सुरंग नज़र आई रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी मेरे मामू ने कहा कि रात के टाइम इस जगह जाने का हमारा मकसद नहीं बनता हम इस जगह सुबह के टाइम जाएंगे वैसे ही वो लोग जल्दी से उस सुरिंग में सीढ़ियां भी थी जो कि ऊपर आती थी खुदाई करके जब मामू लोग नीचे गए तो वो सीढ़ियों से ऊपर वापस आ गए अब उन्होंने इरादा किया कि हम रात के टाइम इधर नहीं जाएंगे हो सकता है कि सांप वगैरह भी हों हम सुबह के टाइम इस सारी जगह का जायज़ा लेंगे सुबह ऐसा ही हुआ मेरे अबू मेरी अम्मी और मेरे मामू उस जगह पे नीचे अंदर गए तो वो क्या देखते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों के सामने एक कमरा है कमरे के दोनों तरफ एक रास्ता जा रहा है और उस रास्ते पे अजीब से पाँव लगे हुए हैं सब लोग बहुत हैरान हुए वो पाँव किसी जानवर के लगते थे हमने दरवाज़ा तोड़ने की गलती इसलिए नहीं की कि मेरी अम्मी ने कहा कि हमें इस चीज़ के लिए किसी मौलवी साहब से बात करनी होगी और उसके बाद इस जगह का जायज़ा लेना होगा और अब इस काम के लिए मेरी वालदा कहती थी कि हम अपने इलाके के किसी मौलवी से भी जिक्र नहीं कर सकते थे कि इधर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है मेरे मामू ने अपने किसी दोस्त से बात की और एक एतमाद वाले शख्स को जो कि आमिल था उसको ले आए वो आमिल बताता है कि मैंने इस सारी जगह का जायज़ा लिया है इस जगह पर बहुत सख्त जन्ात हैं कोशिश करो कि तुम इस जगह की खुदाई करके इसको बंद कर दो लेकिन अब उस जगह की खुदाई करके उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल काम था मेरे एक मामू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी हम मेरी अम्मी ने कहा कि हम इस जगह जरूर नीचे जाएंगे इधर क्या चीज है मैं इस जगह का जरूर पता लगाना चाहती हूं जैसे ही रात हुई तो मेरी अम्मी क्या देखती हैं कि उस जगह से एक शख्स और एक औरत जो कि सीढ़ियों के रास्ते से हमारे सहन में आके खड़े हो गए हैं मेरी अम्मी कहती हैं कि मैंने अच्छी तरह अपनी आंखों को साफ किया और देखा कि कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं है लेकिन ये हकीकत थी वो दोनों बाहर सहन में घूमने लग गए हम लोगों का घर बहुत पुराने स्टाइल का बना हुआ था उधर हम लोगों के सहन के आगे जो एक किचन था और किचन के साथ कमरा था उधर मेरी खाला रहती थी और जहाँ मेरी अम्मी लेटी ये सारा मंजर देख रही थी सर्दियाँ थी और हल्की सी चिक को उठाया हुआ था क्योंकि हम रात के टाइम कोयले जलाते थे कोयलों की वजह से घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था इसलिए कि सबका सांस सांस बनना हो हम लोग थोड़ी सी चिक को फोल्ड कर देते थे मेरी अम्मी उन दोनों को देख रही हैं और मेरी अम्मी कुछ बोल नहीं रही मेरी अम्मी बताती हैं कि मैंने अपने खामिद को हिलाने की कोशिश की लेकिन मैंने कहा अगर वो उठेंगे तो वो शोर ना डाल दें पूछेंगे कि तुम लोग कौन हो कहीं ये मखलूक हमें नुकसान ना दे दे अगले दिन सुबह के टाइम मामू लोग जब आए तो मेरी अम्मी ने ये सारी बात मामू लोगों को बताई मामू ने कहा कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है मुझे नहीं लगता है कि इधर कोई चीज़ हो सकती है क्योंकि जब हम लोग नीचे गए थे तो यहाँ कोई चीज़ नहीं थी इस बार जब मैं मेरी अम्मी मेरी अम्मी और मेरे मामू और मेरी जो घर वाले थे वो नीचे गए तो क्या देखते हैं कि एक औरत जो कि बहुत ही भयानक खुलिए में है उसके पौन जानवरों की तरह हैं वो भाग कर दरवाजे से दूसरी सुरंग में चली गई है आमिल साहब ने कहा कि मैं हिसार करता हूँ तुम लोग इस दरवाज़े को खोलने की कोशिश करो हमने बहुत मुश्किलों से बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मेरे अबू ने और मेरे मामू ने उस दरवाज़े को खोला तो वो क्या देखते हैं कि अंदर बेतहाशा ख़जाना और पैसे हैं पैसे पुराने दौर के हैं जैसे ही मेरे मामू उस खजाने की तरफ आगे बढ़े तो इंतहाई खौफ ना खुलिए का सांप जो कि ऊपर से सांप था और उसके नीचे वाला धड़ सेम इंसानों की तरह था उसके मुंह से बहुत लंबी जुबान निकल रही थी वो चीज़ ऐसे थी कि जैसे इस खज़ाने के ऊपर तैनात की गई हो मेरे मामू चकरा कर पीछे गिरने लगे कि मेरे अब्बू ने मेरे मामू के हाथ को घसीटते हुए जल्दी से उनको बाहर निकाला जैसे ही हम लोग उस दरवाजे से मेरे अबू और मेरे मामू और मेरी अम्मी उस दरवाजे से बाहर निकले थोड़ा सा हम सीढ़ियों की तरफ गए तो जो उन सीढ़ियों के और उस दरवाजे के दरमियान रास्ता था वो एकदम से ज़मीन वहां से नीचे गिर गई वो जो औरत थी वो खौफनाक कहका लगा कर बोली कि अब तुम लोग इस जगह पर कभी भी नहीं आ सकोगे तुम लोगों को किसने कहा था कि तुम लोग इस जगह पर आओ तुम लोगों की जान और ज़िंदगी को अब बेतहाशा ख़तरा है हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे आमिर साहब ने कहा कि अब इधर से जितनी जल्दी होता है भागो कि इससे पहले कि हम लोग भी ज़मीन में धंस जाएं मेरी अम्मी मेरे मामू लोग सब लोग जल्दी से तेजी से गए सीढ़ियों की तरफ और उन्होंने उस जगह के ऊपर इंटें फेंक कर मिट्टी डाल दी बहुत से मज़दूरों को बुलाकर हमने कहा कि हमने इस जगह की खुदाई की थी कि यहाँ पानी मीठा था बहुत ज़्यादा लेकिन अंदर से अजीबो गरीब चीज़ें निकल रही हैं जैसे कि सांप और कीड़े जल्दी से इस जगह को बंद कर दिया जाए हमने उस जगह को बंद तो कर दिया लेकिन मेरी अम्मी को फिर भी ख्वाब आती थी मेरे अबू और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई उस दिन के बाद यूँ समझे कि मेरी अम्मी चारपाई के साथ ही लग गई वो चीज़ अब भी मेरी अम्मी को ख्वाब में नज़र आती है हमने उस घर को सेल कर दिया है वो क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं थी मेरी अम्मी नहीं जानती मेरे अबू नहीं जानते लेकिन वो बहुत वहशतनाक चीज़ थी जिसका सारा जिसम सांप की तरह और था नीचे से वो इंसानों की तरह था और उसने जब ज़मीन पे बाहर निकल कर अम्मी बताती हैं अपना पाँव मारा तो ज़मीन उस जगह से और ज़्यादा नीचे चली गई खुदा ना खास्ता मेरे अम्मी और मेरे मामू या अबू में से कोई भी उधर होता तो दोबारा कभी भी वहाँ से वापस ना आ सकते अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस जगह को बंद कर दिया और हमने उस दीवार को भी गिराने की कोशिश नहीं की और हमने जल्दी से उस घर को छोड़ दिया जिस ये होता है बिल्कुल ये सच्चा वाक़ा है ऐसा होता है अक्सर लोगों के घरों से ख़ज़ाने वगैरह पुराने ज़माने में निकलते हैं और ज़मीन के नीचे भी जन्नात होते हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी जान बच गई अगर ये उस खजाने को निकाल लेते तो अल्लाह जाने इनके साथ क्या होता ये कितनी बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाते बढ़ते हैं एक और खौफनाक स्टोरी की तरफ ये एक शॉर्ट वाक़ा है जो हमारे साथ सुनैना ने शेयर किया है सुनैना बताती हैं कि हम लोगों के स्कूल में एक इंतहाई खौफनाक कमरा है जहाँ से अंदर कभी हंसने की और कभी चीखों की आवाज़ें आती हैं अक्सर उस जो स्कूल का रूम है उसके आगे कभी कोई लड़की की लड़की के कपड़े और कभी किसी लड़के के कपड़े पड़े होते हैं और उनके ऊपर अजीबो गरीब सा कुछ मंतर और कुछ चीज़ें लिखी होती हैं हमने अपने टीचर को दिखाया तो हमारे टीचर ने कहा कि ख़बरदार आज के बाद तुम लोग इस जगह पर आए ये बहुत भारी जगह है नै सुनैना कहती हैं कि हमने अब उस स्कूल के उस हिस्से में जाना छोड़ दिया है जब भी कोई लड़की उधर जाती है तो उसके बाद उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं कोई जिन या कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर हाजिर हो जाती है और जब किसी अमल के पास लेकर जाया जाता है तो वो चीज़ हाजिर नहीं होती आमिल चाहे जितना मर्ज़ी उस चीज़ को बुलाने की कोशिश करें और उसके बाद वो बच्चा या बच्ची ठीक भी नहीं होती मेरी मैडम कहती हैं कि स्कूल के उस हिस्से की तरफ़ जाने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी मैडम ने स्कूल के उस हिस्से की तरफ़ कुछ कंटेनर वग़ैरह जो कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है हम लोगों के स्कूल में वो खड़ा कर दिया है और उस हिस्से की तरफ किसी को भी जाने नहीं देते हम लोग भी उस उसे की तरफ जाने की गलती नहीं करते अक्सर लोग मैडम के मना किए बगैर भी वहाँ चले जाते थे और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी कि अक्सर लड़के और लड़कियों की जान भी गई है शुक्रिया सुनैना ये उनकी ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़ है वहाँ क्या चीज़ है कोई नहीं जानता और ऐसी जगहों से जाने से बिल्कुल इज्तना करें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खौफनाक होती हैं अल्लाह पाक हम सबको अपने हफ्ज़ ऐ मान में रखे और लिसनर्स आप भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे ई मेल आई डी पे और फेसबुक मैसेंजर पर आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा अपनी होस्ट नीलम को अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेगेबान